और बच्चों जैसा कि आपको पता है कि इस बार से सीबीएसई में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यू भी 20 नंबर के आने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको कुछ एमसीक्यू कराऊंगा, तो पहले मैं वो एमसीक्यू कराऊंगा जो आपको आपकी बुक्स में दे रखे हैं। जैसे कि आज हम करने वाले हैं जो एमसीक्यू, वो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के एमसीक्यू जो आपकी डीके गोयल की बुक में है। उसके बाद वो करेंगे जो मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा, आपकी बुक में जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, आपको ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, ये 14 ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें से बेटा जो थ्योरी वाले ऑब्जेक्टिव हैं वो तो आप कर लोगे इजीली। इसमें जो थ्योरी वाले ऑब्जेक्टिव हैं वो आप इजीली कर लोगे। अगर नहीं भी कर लोगे तो पीछे इसके आंसर दे रखे हैं, उसे समझ जाओगे। फिर भी नहीं आते तो मैं बताऊंगा। अभी मैं क्या करवाऊंगा, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं न्यूमेरिकल हैं वो बताऊंगा। जैसा कि ये 11th वाला, जैसा कि ये 12th वाला, जैसा कि ये 13th वाला, ये तीन क्वेश्चन हम आज की वीडियो में करेंगे। तो बेटा सबसे पहले 11th क्वेश्चन को जरा देखिए। पी और क्यू पार्टनर है और रेशियो 1:2। आर मैनेजर है जिसको सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ और सैलरी के साथ कमीशन मिल रही है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर वाला केस है और हमें पता है सर, जब आफ्टर होता है तो नीचे जो 100 होता है उसमें रेट को ऐड कर देते हैं। टोटल रेमुनरेशन जो आर को मिल रही है सर, वो मिल रही है 1,80,000। प्रॉफिट निकालना है हमें सैलरी और कमीशन चार्ज करने से पहले प्रॉफिट कितना था। तो जरा मैं क्वेश्चन को यहां आपको लिख के बता दूं कि क्या क्या दे रखा है। सर उसे सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ। बेटा 10,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है तो साल की कितनी हो गई, 1,20,000। 10,000 × 12 कर दिया, ये क्लियर है। उसके बाद सर कह रहा है कि रेमुनरेशन यानी कि सैलरी और कमीशन मिला के जो पैसा मिला है उसे, वो मिला है 1,80,000। सर उसे कमीशन मिल रहा है 10% नेट प्रॉफिट में से, आफ्टर वाला केस है। तो बच्चों आपको एक चीज दिख रही है, अगर 1,80,000 टोटल पैसा उसे मिला है सैलरी और कमीशन का मिला के, और 1,20,000 की सैलरी है, तो बेटा कमीशन कितना मिला होगा, 60,000 का। यहां कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, 60,000 का कमीशन मिला होगा। ये कमीशन कैसे मिला होगा, जितना नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट का इंटू किया होगा 10, कितना परसेंट है, 10% कमीशन से इंटू 110 किया होगा। मतलब अगर मुझे वापस जाना है तो मेरे को कमीशन कितना मिला, 60,000 सर। और उल्टा कर दो, नीचे क्या किया होगा 110 और ऊपर क्या किया होगा 10। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 6,60,000 रुपये आएगा। ये क्या है, ये वो प्रॉफिट है सैलरी देने के बाद। अब मैं इसमें सैलरी भी जोड़ देता हूं, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना था, 7,80,000। यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, सर इसका आंसर आ रहा है सी। जरा देखेंगे, 7,80,000 11 का सी। पीछे मैं एक बार आंसर दिखा देता हूं आपको, ये देखिए बेटा फर्स्ट चैप्टर 11th क्वेश्चन का सी। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे। सर ए और बी पार्टनर हैं और बी ने ड्रॉइंग करी है एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने के एंड में, यानी कि आपके महीने के एंड वाला केस है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% है और जो इंटरेस्ट ऑन बी की ड्रॉइंग निकली है वो 8,250 है। सर हमें इसमें ड्रॉइंग का अमाउंट निकालना है कि उसने ड्रॉइंग कितनी करी। तो बेटा जरा मैं 12th क्वेश्चन यहां लिखता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सर हमें जो रेट दे रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% है, सर मंथ के एंड वाला केस है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8,250 निकली है। तो बेटा एक चीज देखो, एंड वाला केस है, एंड वाले केस में क्या करते हैं, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हम कैसे निकालते हैं एवरेज पीरियड, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाई 2। जब हम हर महीने की एंड में हम निकाल रहे हैं पैसा, तो यानी कि पहली ड्रॉइंग हमने 31 जनवरी को करी होगी, 11 महीने रह गए और आखिरी में कुछ नहीं रह गया, डिवाइड कर दिया 2 से, यानी कि 5.5/12 करेंगे। अब कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू
क्या है आपका टोटल ड्राइंग वो आपको निकालनी है, इनटू रेट आपकी 15% है और इनटू 5.5/12। बेटा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये कैसे हो जाएगा, टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू 8250 इनटू 100 इनटू 12 डिवाइड बाय 15 और इनटू 5.5। अब जरा मैं इसको सॉल्व करता हूँ सर, 8250 इनटू 100 इनटू 12 डिवाइडेड बाय, सॉरी गलत हो गया, दोबारा करता हूँ, 8250 इनटू 100 इनटू 12 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 5.5। सर ये आया 1,20,000, ये टोटल ड्राइंग है। और कितने मंथ होते हैं हमारे, 12, यानी कि कितने रुपए पर मंथ आएगा, 10,000 रुपए पर मंथ। सर आंसर देखेंगे बच्चों, आंसर देखो 10,000 पर मंथ, यानी कि बी, 12th का सर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, 12th का क्या आ रहा है बेटा, बी। बच्चों 13 का भी आंसर पहले से देख लो कहीं, फिर वापस आना पड़ेगा, 13 का डी आ रहा है सर। अब जरा हम 13 क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी पार्टनर है, रेशियो 2:1, कैपिटल दे रखी है 3,02,000, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है और 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देनी है। देयर ड्रॉइंग दे रखी है, ए की 60,000, बी की 40,000, बी का शेयर दे रखा है नेट प्रॉफिट, यानी कि डिविजिबल जो बचा है वो है 40,000, बी का दे रखा है। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन निकालना है, यानी कि शुरुआत में जो नेट प्रॉफिट था बिफोर चार्जिंग एनी एप्रोप्रिएशन क्या था। तो बेटा सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से लिख के समझा दूं। देखो बेटा, ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 2:1, ए की कैपिटल 3,00,000 और बी की कैपिटल 2,00,000, 6% क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 10% क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। सर ए की ड्राइंग 60,000 है और बी की ड्राइंग 40,000 है, और सर एप्रोप्रिएशन में कह रहा है कि बी का शेयर 40,000 है बांटने के बाद। तो बच्चों पहले एक चीज देखो, बी को कितना डिविजिबल प्रॉफिट है, 40,000, बी का शेयर कितना है, 2:1, जब ये किसी का 1 है तो ए का 2 कितना होगा, 80,000। समझ में आ रही बात, ए और बी का रेशियो कितना था, 2:1, और बी को मिला है 40,000 1 के हिसाब से, तो 2 को हिसाब से ए को कितना मिलेगा, 80,000, दोनों को जोड़ दूं तो ये कितना आ गया, 1,20,000। अब मैं आगे बढ़ता हूं, 3,00,000 और 2,00,000, इस पर 6% हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो ए का आएगा 18,000 और बी का आएगा 12,000, ये क्लियर है। जरा मैं इसको जोड़ लेता हूं, ये 1,20,000, 18,000 और 12,000, ये आएगा 1,50,000। ड्रॉइंग भी दे रखी है सर, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, एक ही ड्रॉइंग है 60,000, तो 60,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर वाला केस है, कितना आएगा, 3,000। ऐसे इसका करेंगे 40,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो आएगा 2,000। तो बेटा 2,000 और 3,000 दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 5,000, ये माइनस कर दो इसमें से, आपका आंसर आ गया 1,45,000। मैंने अभी आपको वीडियो में दिखा दिया था कि 13 का ऑप्शन क्या है, डी है, और सर 13 का ऑप्शन हमारा क्या आया है, डी, 1,45,000। तो बेटा ये तो आपकी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उसके एमसीक्यू के जो न्यूमेरिकल्स है वो मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम सेकंड चैप्टर के आपको एमसीक्यू